हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है करवा चौथ का दूसरा दिन। तो आज से हम कर रहे हैं अपना 10 डेज वेट लॉस चैलेंज शुरू। तो इसमें जो जो मैं खाऊंगी, क्या क्या कर रही हूँ, सब मैं आपको इसमें बताऊंगी और देखते हैं हमारा 10 दिन के अंदर कितना वेट कम होता है। तो करवा चौथ वाली आपने वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो जाके देख लीजिए। तो उसी के बाद ही मैं ये तुरंत बाद ही शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया था, घूमने चले गए थे, उसकी वीडियो बीच बीच में मैं डालती रहूँगी। लेकिन हमारा जो 10 डेज वेट लॉस चैलेंज है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर उसके बाद दिवाली आ जाएगी, दिवाली का 2 दिन का ब्रेक होगा, फिर हम 1 मंथ वेट लॉस चैलेंज करेंगे। तो जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है उसका वेलकम है। और वेट लॉस जर्नी ऐसी ही चलती रहेगी तो मेरे चैनल पे, तो इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम अपना वेट लॉस चैलेंज, 10 डेज वेट लॉस चैलेंज। तो सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, बेटी को स्कूल भेज दिया, नहा ली, घर का सारा काम हो गया, बिल्कुल चकाचक कर दिया मैंने घर एकदम। कि बार बार है ना उठ उठ के कैमरा उठाना दिखाना वो सब चीज़ नहीं होती, तो मैंने जल्दी से पहले ही घर पूरा साफ कर दिया है एकदम बढ़िया से। और अब नहा के भी आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। लेकिन सबसे पहला हमारा काम रहेगा वेट अपना चेक करना। तो हमारा आज के दिन का वेट कितना है तो वो देखते हैं। आज है 21 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर का हमारा देखते हैं कितना वेट है, फिर हम 10 दिन बाद देखेंगे हमारा कितना वेट कम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैलेंज 21 तारीख से। अब ये देखो मैंने वेट करने के लिए वेट मशीन भी निकाल ली है, तो अब मैं इस पे वेट करूंगी अपना कितना होता है मेरा वेट। तो मेरा वेट आ रहा है 71.5 केजी मेरा वेट है। तो अब 71.5 केजी मेरा वेट आ रहा है, तो देखते हैं 10 दिन में हम कितना वेट कम कर पाते हैं। तो अभी मैं पी रही हूँ गरम गरम पानी, गरम मतलब इतना भी गरम नहीं, नॉर्मल वाटर पीऊंगी, जो वार्म वाटर होता है वो पीऊंगी बस। तो ये ले लिया है मैंने पानी, अब मैं ये एक बड़ा ग्लास है ये, तो ये पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद नाश्ते का देखते हैं हम नाश्ता क्या करते हैं। नाश्ता भी हम सैंडविच वगैरह बनाते हैं, तो देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ नाश्ते में। और जो हम दिवाली के बाद हम जो वेट लॉस करेंगे ना वो हम करेंगे जादू डाइट। तो जादू डाइट क्या होती है वो सब मैं आपको बताऊंगी और कैसे उसके साथ हमें वेट लॉस करना है और क्या खाना है सब मैं उसके अंदर आपको बता दूंगी। तो अभी तो हम नॉर्मल अपनी डाइट रखते हैं, सिर्फ घर का खाना होगा इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं हमारा कितना वेट कम होता है और हम जब 1 मंथ जादू डाइट करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे हमारा कितना वेट कम होगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर में, पहले मैं अपना पानी पी लेती हूँ और 5 मिनट बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपना नाश्ता भी बना के रेडी कर लिया है। तो नाश्ते में मैं सिंपल सोबर ही रखा है, दिखा देती हूँ मैं आपको। नाश्ते में है खीरा सैंडविच और चाय। चाय जो है वो मेरी फीकी है, तो आप चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, जो भी आप लेते हो वो ले सकते हो। और हो सके तो उसको फीका ही रखिए, नहीं तो आप शुगर फ्री डाल लीजिए, चीनी को बिल्कुल स्किप कर दीजिए अपने इस 10 दिन के वेट लॉस चैलेंज के अंदर, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से करती हूँ अपना नाश्ता और मौसम का हाल बताऊँ तो ठंडा ठंडा हो गया है मौसम। अब एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है घर में बैठने में भी, आराम से आप नॉर्मल फैन के अंदर भी रह सकते हो। तो ठंडा हो गया, ठंड अब आने लगी है, तो सुबह शाम की तो हो ही गई है ठंड। आप बिना जो ब्लैंकेट होता है एसी वाला उसके बिना नहीं सो सकते, मैं तो नहीं सो सकती, बाकी मुझे सबका पता नहीं, कोई सोता है कोई नहीं सोता, मैं नहीं सो सकती, मैं ब्लैंकेट लेके ही सोती हूँ जो पतला वाला होता है एसी वाला वो। और दिन में धूप होती है, दिन में गर्मी होती है, बाकी सुबह शाम की हो गई है ठंड। अभी भी अच्छे से धूप निकली हुई है, अभी भी अच्छे से धूप निकली हुई है, बहुत एकदम बढ़िया वार्म वार्म सा वो है टाइम इस टाइम। तो 9:30-10 बजे का टाइम है और अच्छी सा है, बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
तो चलिए मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ, मिलती हूँ मैं आपको लंच में, और लंच में क्या बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले अपना करती हूँ नाश्ता, क्योंकि देर भी काफी हो गई है। तो हेलो गाइज, मैं आ गई हूँ अपना लंच लेके। तो वही ऐतिहासिक मेरी खिड़की जो आपने पहले वीडियो में भी देखी हुई होगी। तो लंच लेके आ गई हूँ इसी खिड़की के पास, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लाइट आती है ना सनलाइट में, थोड़ा सा अच्छी फोटो आती है। अगर मैं थंबनेल के लिए पिक्चर लेती हूँ यहाँ पर, तो अच्छा सा व्यू आता है, एकदम अच्छी सी फोटो आती है। तो मेरे आज लंच में है, दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले मेरी मेहंदी देखिए, ये देखो। और कल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नहीं रची है, और ये मैंने खुद ही लगा ली अपने आप ही। मन नहीं था कहीं जाने का, तो मैंने बोला शगन करना है तो अपने आप ही लगा लेती हूँ। तो कल बिल्कुल, कल क्या, कल सुबह तक बिल्कुल वो नहीं था कि इसमें रंग चढ़ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये काली होती गई। और अब तो काफ़ी काम वाम कर लिया है तो थोड़ा सा हल्का हो गया कलर, नहीं तो बहुत काली सी हो गई थी। तो चलिए लंच दिखाती हूँ बिना फालतू की बकवास करे। तो आज मेरे लंच में है पुलाव, चने की दाल, आलू और मटर वाले पुलाव हैं, खीरा है और बूंदी वाला रायता। तो ये है मेरा आज का लंच, इस तरीके से कर देती हूँ, ऐसे अच्छी लग रही है प्लेट। तो अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ, बाकी मार्केट का तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी पता नहीं चली जाऊँ मार्केट भी, क्योंकि काम ही मेरा ऐसा है मार्केट घूमना और थोड़ी सी शॉपिंग करना मार्केट से। तो मैं देखती हूँ, अगर थोड़ा सा वो होता है तो चली जाती हूँ, क्योंकि दिन ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का, बस ऐसा है मन करता है कि बिस्तरों में पड़े रहो बस, और कुछ मत करो। और फुल टाइम नींद आती रहती है, नींद आती रहती है दिन में, और रात को बिल्कुल नींद नहीं आती। इसीलिए ना सुबह सुबह हम लेट हो जाते हैं कभी कभी उठने में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं सुबह उठूंगी ना बेटी को उठाने के लिए स्कूल के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है यार अभी 5 मिनट है, चल फिर सो जाती हूँ। फिर ऐसा लगता है यार 2 मिनट है, फिर सो जाती हूँ। बस ऐसे ही चलता रहता है, और इसी इसी में ना थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम तो। बट हमारा सुबह का काम है वो भी करना ज़रूरी है, स्कूल भी भेजना ज़रूरी है बच्चों को, और भी रूटीन है जो वो करना ज़रूरी है। अगर हम इसी तरीके से करते रहेंगे तो कैसे चलेगी ज़िंदगी, नहीं तो हम सोते ही रहेंगे हमेशा। तो सब कुछ छोड़ के उठ के अपना काम करो, और जब टाइम मिले जब सो जाओ। तो चलिए मैं पहले अपना लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कुछ टाइम बाद चाय पे, देखते हैं जैसे भी होता है वैसे मिलती हूँ आपसे। हेलो गाइस, अब मैं आई हूँ दिन में, और दिन से अब रात में मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि शाम को सिर्फ चाय चाय पी थी तो मैंने इसलिए कुछ दिखाया नहीं, प्लेन चाय पी थी, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का तो मैंने चाय पी ली थी शाम को। और फिर उसके बाद 7 बजे मैंने फ्रूट खा लिया था थोड़ा सा वो भी। तो अब मैंने बना ली है रोटी, तो मेरे रात के, तो मेरे डिनर में है एक फुल्का, आलू गोभी की सब्जी और खीरा। खीरा ज़्यादा लिया है मैंने थोड़ा। तो आज कोई योगा नहीं करा, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, आज पहला दिन है तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, कल से करेंगे। तो अभी मैं कर लेती हूँ डिनर और मिलती हूँ मैं आपसे सुबह। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलती हूँ मैं आपसे कल, बाय।